बच्चों क्या ये सवाल आपको बार बार परेशान कर रहा है कि कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए क्लास 10th के बाद, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए एक हेल्पफुल टिप लेकर के आया हूं जिसमें एक बार के आपके इंटरेस्ट को, एंबिशंस को, गोल्स को साइड पे रखते हैं और आज के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि आप किस सब्जेक्ट से ज्यादा कंफर्टेबल हो और उसी के अंदर अगर आप अपनी स्ट्रीम को परसू करोगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। कहते हैं कि जो स्टूडेंट ज्यादा कंफर्टेबल है बायोलॉजी के साथ वो पीसीबी चूज करें यानी मेडिकल चूज करें। जो बच्चे मैथ्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो सबसे पहले वो अपने आप से एक सवाल पूछें कि जो थ्योरम्स होती हैं उनके पीछे के क्वेश्चंस क्या वो विदाउट मच डिफिकल्टी कर लेते हैं, यानी वो एक लॉजिकल एनालिसिस वाली क्वालिटी को इनकलकेट कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो पा रहा है देन यू बेटर बी चूजिंग TCM यानी नॉन मेडिकल, एंड इफ नॉट यू कैन गो विद कॉमर्स। स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल विद SST यानी सोशल स्टडीज तो उन्हें चूज करना चाहिए ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स।